नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह मुल्लर के स्थानांतरण के बाद नए कप्तान आयुष अग्रवाल ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अपनी प्राथमिकताओं में उन्होंने आगामी केदारनाथ यात्रा को सकुशल संपन्न करवाना रखा है। इसके अलावा साइबर अपराध, महिलाओं के प्रति होने वाली अपराधों पर अंकुश लगाना है। इसके अलावा थाना चौकियों पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं को समय पर निराकरण करने को लेकर उन्हें प्रतिबद्धता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले में जो प्रमुख बाजार हैं उनमें लगने वाले जाम की समस्या को लेकर ट्रैफिक प्लान को बेहतर बनाने को लेकर भी आश्वस्त किया है। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। सहयोग रहेगा, जो अच्छी चीजें हैं आप उसको भी निकाले करें और कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी मना ठीक है। आपका तो काम ही यही है जो सच्चाई है उसको दिखाना, तो बस इतना है कि सच्चाई जो है वही दिखाएं ना, और किसी तरह का कुछ भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सरकारी नंबर मेरे पास है ठीक है। सरकारी पर मैं प्रेफर करता हूँ कि सरकारी पर कॉल आए, रिलेटेड पर्सनल नंबर पर्सनल चीज़ों के लिए ठीक है, तो सरकारी पर आप कॉल करें। आपका नंबर आपने सब इसको लिख दिया होगा, मैं फीड भी कर लूँगा ठीक है। तो कभी भी आप कॉल करेंगे कुछ भी होगा तो मैं अवेलेबल रहूँगा। व्हाट्सएप वगैरह सरकारी पर? हाँ व्हाट्सएप अभी नहीं है, मैं करता हूँ उसको ही करता हूँ। और आते हैं बाकी क्या है यहाँ प्राथमिकता क्या रहेगी सर आपकी? नहीं, प्राथमिकता तो सबसे इम्पोर्टेंट तो रुद्रप्रयाग में सबसे बड़ा असाइनमेंट तो यही है कि हमारी यात्रा कराना ठीक है। तो इसमें जो लोकल्स हैं उनको भी किसी भी तरह की असुविधा ना हो, और जो बाहर से आ रहे हैं यात्री इतने दूर से दर्शन के लिए बाबा केदार के, तो उनकी भी यात्रा ऐसी रहे कि उनके लिए मेमोरेबल रहे, हमेशा अच्छी यादें यहाँ से लेकर जाएं, किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो